न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच चल रही T20 सीरीज़ के दूसरे ही मैच में बांग्लादेश ने मेहमान टीम को मात दी। दरअसल हुआ यूं कि बांग्लादेश ने टॉस जीता और बैटिंग करने का फ़ैसला किया। बांग्लादेश के ओपनर नईम और लिंटन दास ने बहुत अच्छी साझेदारी निभाई। नईम ने 39 रनों में 39 रन बनाए, वहीं लिंटन दास ने 29 गेंदों में 33 रन बनाए। नईम को रचिन रविंद्र ने आउट किया, वहीं लिंटन दास को भी रचिन रविंद्र ने आउट किया। इसके बाद आए रहीम, जिन्होंने अपना खाता भी नहीं खोला और रचिन रविंद्र का शिकार बने। इसके बाद आए बांग्लादेश के अनुभवी बल्लेबाज सकीब अल हसन, इन्होंने 12 रन बनाए और महत्वपूर्ण पारी खेलने वाले महमूदुल्ला ने 37 रन बनाए, जिसमें इन्होंने 5 चौके लगाए। आफिफ हुसैन ने 3 रन बनाए, नरुल हसन ने 13 रन। बात करें न्यूजीलैंड के बॉलिंग कार्ड की तो रचिन रविंद्रा ने सबसे अच्छी गेंदबाजी करी और 4 ओवरों में 22 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। बांग्लादेश ने स्कोर बोर्ड में 141 रन लगा दिए। इसके जवाब में न्यूजीलैंड की पारी की शुरुआत इतनी खास नहीं रही। टॉम ब्लंडल महज 6 रन बनाकर मेहंदी हसन का शिकार हुए, वहीं रचिन रविंद्रा को सकीब अल हसन ने बोल्ड कर दिया। इसके बाद आए कप्तान टॉम लैथम और विल यंग। विल यंग ने बनाए 22 रन और सकीब का शिकार हुए। इसके बाद आए न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज कॉलिन डिंग ग्रैंडहोम, जिन्होंने महज 8 रन बनाए। इसके बाद आए निकोलस, जिन्होंने महज 6 रन बनाए और मेहंदी हसन का शिकार बने। कोल मकोंची ने टॉम लैथम के साथ अंत तक साझेदारी निभाई, लेकिन टॉम लैथम न्यूजीलैंड को ये मुकाबला जिता ना सके और न्यूजीलैंड ये मैच 4 रन से हार गया। बता दें कि आखिरी गेंद पर 6 रन की आवश्यकता थी, लेकिन लैथम सिर्फ एक ही रन बना सके। बात करें बांग्लादेश के बॉलिंग स्कोर कार्ड की तो सबसे सफल गेंदबाज रहे मेहंदी हसन, जिन्होंने 4 ओवरों में महज 12 रन देकर 2 विकेट चटकाए। बांग्लादेश की बल्लेबाजी में महत्वपूर्ण पार्ट निभाने वाले महमूदुल्ला को मैन ऑफ द मैच चुना गया। बांग्लादेश ये सीरीज़ में 2-0 से आगे चल रहा है और महज 1 जीत से वो सीरीज़ विन से पीछे है। अगर न्यूजीलैंड फाइट बैक नहीं करता तो बांग्लादेश बैक टू बैक होम सीरीज़ जीतने में कामयाब रहेगा। अगला मैच संडे को है। इस मैच की सारी जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें।